यूट्यूब पे समझ नहीं आई आपको तरीका तो उसमें सर समझ आ गई थी मुझे लगा कि दो दिन से दो मरतबा से ज्यादा और ज्यादा करना चाहिए तो मैं इसलिए आया था कि मुझे आप ज्यादा देते कि मैं करता हूं नहीं नहीं आप अगर तरीका इलाज के तौर पे कर रहे हैं तो एक बार 7 दिन सुबह दोपहर शाम 7 दिन किसी भी बीमारी के लिए उलझन के लिए मुसीबत के लिए अगर ना भी हुआ तो फिर 8वें दिन छोड़ के फिर 7 दिन करिए। ये तो है जो बाबा जी बताया बाबा जी तरीका इलाज के तौर पे। आपने मजहब के तौर पे कुरान सुनने की खातिर आप अपनी इबादत के तौर पे सुनना चाहते हैं सारी उम्र सारा कुरान सुने उस पर अमल करें जितना भी सुने उसको इंतहाई गौर और तवज्जो से सुने फिर उसको समझें उस पर अमल करें वो चाहे एक लाइन हो एक लफ्ज़ हो एक आयत हो वो अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं आपका उस्ताद हूँ मैं आपसे कहता हूँ कि आपका पहला सबक है कि आपने झूठ नहीं बोलना ठीक है आपके साथ ही दूसरे शागिर्द हैं मैंने भी कहता हूँ आपने झूठ नहीं बोलना हफ्ते बाद मैं नोटिस करता हूँ कि ये तो बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही लेकिन आप अभी भी बोल जाते हैं ठीक है फिर मैं इन्हें कहता हूँ कि आपने गीबत नहीं करनी तो आप कहते हैं जी मैं भी ये याद कर लूँ आए कि गीबत नहीं करनी वो रटने का तो आप सारा रट लें ठीक है लेकिन आप उसकी इत्तबा तो नहीं कर रहे बात को नहीं मान रहे तो जो बात आपको कही जा रही है जब आप उस पर मान नहीं रहे और आपको बात का पता भी है तो आप पे पकड़ शुरू हो जाएगी आप पे लॉ लगना शुरू हो जाएगा क्योंकि आप ये शो कर रहे हैं कि आपको बहुत प्यार है आप तो अकीदत से इस चीज़ को बहुत वैल्यू दे रहे हैं ना इस बात को उस्ताद की बात को और ये तो उस्तादों के उस्ताद की बात है ये तो अल्लाह का कलाम है ठीक है तो आप उसको वैल्यू दे रहे हैं आपको उससे प्यार हो गया आपको उससे इश्क हो गया फाइन तो अब आपके वो अमल में नजर आए ना वो इकबाल को कहना पड़ जाए कि कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान फिर तो ठीक है तो अगर मैंने मुर्दा मुर्गी के शुआर में बेचने हैं या बिरयानी में कुत्ते का गोश्त डाल के या बकरे का बेचना है मैंने और साथ मैंने हाजा मन फजले रबी और वल्लाहु खैरुल राज़िकीन ये मैं कुरान का मजाक उड़ा रहा मैं हराम कमा के हराम करके अगर कह रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे खैर से रिस्क दिया ये ठीक है तो ये मैं खुद ब्लेस्फेमी कर रहा हूँ ठीक है उससे बेहतर है कि मुझे उतना ही सबक जितना आता है वो उतना मैं कर लूँ तरीका इलाज के तौर पे हम एक बार कहते हैं फिर दूसरी बार एक हफ्ता और सुन लें मैंने कहा ना पहले बाबा जी कई बार कई लोगों को 21 दिन सुनने का भी कहते थे और कई लोग अभी भी 21 दिन का बताते हैं ठीक है लेकिन फाइनल जिस बंदे की रिसर्च थी जो इलाज के तौर पे बता रहा था जिस फकीर का ये फैज है उन्होंने कहा कि एक बार हफ्ता सुन लें फिर एक बार और हफ्ता सुन लें ठीक है ये तो उनका कोई बंदा कहता है नहीं जी मुझे 40 दिन सुन के आराम आता है 40 दिन सुन ले भाई हम कौन से इसके ठेकेदार हैं ठीक है लेकिन उसके इफेक्ट्स साइड इफेक्ट्स जो भी है उसका वो खुद जिम्मेदार है ठीक है बाकी जो एक तरीका इलाज बताएगा वो हम बता रहे हैं वो ऐसे है।